ये साउंड जो है इंटेक्स, इसका मॉडल नंबर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मॉडल नंबर दिया है, ये देखिए यह IT2202SUF 2.1, यह मल्टीमीडिया स्पीकर है। अब मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इसे ओपन किया और ये इसके अंदर एक बॉक्स है और मैं इस बॉक्स को निकाल रहा हूँ और ये मैं इस बॉक्स को निकाल के देख रहा हूँ इसके अंदर क्या है। तो इसे मैं निकाल के बाहर किया और इसके अंदर एक पैकिंग और है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये इसका साउंड का जो है पैकिंग है। अब मैं इसे बाहर कर रहा हूँ और बाहर करके देख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसको पूरा सिक्योर करके मतलब भेजा जाता है। मैं इसे अमेजोन से मंगाया था और ये देखिए ये मैंने पूरा पैकिंग को हटा लिया है। इसके अंदर मैं फिर चेक कर रहा हूँ और कुछ तो नहीं है, एक डब्बा सा है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, वैसे है। अब मैं इसे चेक कर रहा हूँ इसके अंदर क्या है। अब मैं इस डब्बे को खोलता हूँ, ये देखिए अब इसे खोल दिया मैंने। इसके अंदर देख रहा हूँ मैंने दो साउंड है, ये देखिए इसे मैंने बाहर निकाला और ये देखिए इसका जो लुक है कुछ अलग तरीका का है। इसका जो कैबिनेट बना है ये हमें लग रहा है वुडन का है, ये जो देख रहे हैं आप ये वुडन का लग रहा है। और इसके साथ दो साउंड है, मैं इसे बाहर कर रहा हूँ और इसे देख रहा हूँ, ये भी दोनों साउंड जो है वुडन का है, इंटेक्स का है। तो इसका जो है ठीक ही है, अब इसे अब प्ले करने के बाद पता नहीं जो भी हो। इसके साथ और भी है, इसके बाद रिमोट दिया है, देखिए रिमोट है। तो इस रिमोट के साथ एक केबल भी है, तो केबल के साथ दो बैटरी भी दिया है। अब इसे मैं बाहर करके चेक कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, केबल के साथ दो बैटरी भी दिया है। अब इसे मैं बाहर करके चेक कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब इसे मैं बाहर करके दिखा रहा हूँ इसके अंदर क्या सर है। ये देखिए इसके साथ ये जो रिमोट दिया इंटेक्स का, ये देखिए ये रिमोट है, इसमें दो बैटरी भी लगता है, जो बैटरी कंपनी खुद वहाँ से दिया है, और ये बैटरी है। उसके बाद ये केबल दिया है, ये देखिए ये केबल है और इस केबल को यूज करके हम साउंड को प्ले करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया छोटे छोटे पार्ट्स है, अब मैं साउंड को दिखा रहा हूँ। और मैं साउंड को जिसे खोला तो इसके अंदर ये देखिए साउंड का लुक भी कुछ अच्छा है, टैक्स का है, इंडियन है तो अच्छा ही होगा। और इसको देखिए यहाँ पर दिया है एक डिस्प्ले दिया है, LED डिस्प्ले, और यहाँ पे स्लॉट भी दिया है। इसमें देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये दिया आपको USB केबल, और ये मेमोरी कार्ड लगाने का है, ये वॉल्यूम का बटन सब दिया हुआ है, स्कैनिंग का दिया है और मोड प्ले ऑन करने का भी दिया है। उसके बाद ये स्लॉट दिया है, इस स्लॉट को लगा करके आप प्ले करते हैं। और ये पावर सप्लाई के लिए दिया है और ये पावर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया है। उसके बाद ये वॉल्यूम है, बास बटन है, वॉल्यूम बटन है, और ये क्या है पता नहीं इसका क्या यूज है, मैं चेक करके फिर आपको दिखाऊंगा। उसका आगे का जो देखिएगा इसके इसको देख लीजिए थोड़ा, इसको क्या दिया है इसमें, ये देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा है, कोई खास चीज़ नहीं लिखा है। उसके बाद एक मैनुअल भी दिया है, इसमें यूजर मैनुअल, इसको यूज करने का इसमें जो तरीका दिया है इधर से दिया है। अब मैं इसे प्ले करके चेक करता हूँ इसका साउंड क्वालिटी क्या है। इसका जो कैबिनेट बना है ये वुडन का लग रहा है, ये जो देख रहे हैं आप ये वुडन का लग रहा है। साउंड का जो क्वालिटी है वो अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं अब प्ले करने के बाद जैसा भी हो। अब मैं इसे प्ले करके चेक कराता हूँ। अब हम टेस्टिंग मोड पे आ गए हैं, तो आइए हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं इसका साउंड क्वालिटी क्या है।
मैं इस गाना को थोड़ा चेंज करके चेक कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से इसको पीछे की ओर खींच रहा है। देखिए सब लग फकी वजह कोई